बंद कर दो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और आज है रमज़ान के दूसरे अशरे का आखिरी रोज़ा, 20वां रोज़ा है आज। और जो है हम बस इफ्तार की तैयारी करें। आज हम इफ्तारी में बना रहे हैं बिरयानी और कुछ भी नहीं, और शरबत और जो है वो बस खरबूजा, बस ये तीन चीज़ें हैं। और बस मैं अभी नमाज़ पढ़ के हट गई मसर की, अब मैं जाके दम लगाऊंगी, मसाला वगैरह सब रेडी कर लिया है, चावलों का पानी रख कर आई हुई हूँ। तो सोचा यार थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं। तो यहाँ मैं नमाज़ पढ़ के बैठी हूँ और जो है ये हेलो टेक मिनट रखिएगा बेटा। और ये यहाँ बैठे हैं नमाज़ पढ़ के, नमाज़ पढ़ के ही बैठे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान जिंदाबाद। आप इमरान खान के साथ हैं भाई? अभी आप कर क्या रहे हैं? अभी वही देख रहा था, पोस्ट देख रहा था। ऑल टाइम ट्रेंडिंग पे जो है ना वही देखा जा रहा है जी। अलार्म था, मैं भी अलार्म था। ठीक है ठीक है, ये भी इमरान खान के साथ है, ये भी इमरान खान के साथ है। और कॉर्नर वाले हुज़ैफ़ा आप किसके साथ हैं बताइए? अच्छा एक बात बताओ, क्यों है इमरान खान के साथ? वजह क्या है? वजह ये है कि उसने एक सोच, आवाज निकालो ना, मैं उस तरफ आ रही हूँ, बोलो। चलो हम यहाँ पूछते हैं इनसे, बताइए आप इमरान खान के साथ क्यों हैं? इसलिए है कि इसने एक सोच दी है पाकिस्तानियों को, वरना पाकिस्तानी को उनको पता ही नहीं था, उनको चे बना रखा था, रोटी कपड़ा मकान के पीछे लगा रखा था, बस कुछ नहीं है। तो हम आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं है। तो आज हमें पता लगा है कि हम आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं है, हमारे तमाम इदारे बिके हुए हैं। बस इतना ही था। हाँ बिल्कुल, हम आज उसके साथ हैं और उसके साथ रहेंगे और लड़ते रहेंगे। जी बिल्कुल, जब तक ये बैगर्स और ये भिखारी, ये चोर डाकू, ये जो दो खानदानों ने कब्जा किया हम लोग पे, जब तक इनसे जान नहीं छुड़वा लेते हम लोग। सही। और आप कुछ कहना चाहेंगे इसके अलावा? और कुछ कहना? भड़ास है, बहुत सारी भड़ास है, निकालना चाहूँ, दिल तो करता है इनको, दफा क्यों नहीं हो जाती है। बस कर जाओ। तो खैर इनको हम जो है वो स्किप करते हैं यहाँ पे। और आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, उस सबका बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम नहीं मिल पा रहा जिसकी वजह से मैं आंसर नहीं कर पा रही, तो इंशाल्लाह जल्दी आंसर कर। ओके तो अभी हम चलते हैं किचन में, मैं जाकर आप लोग को दिखाती हूँ कि जो है वो मैंने कहाँ तक पहुँची हूँ। हो सकता है पानी में उबाल भी आ गया हो अब तक। और मौसम, आज का मौसम बहुत अच्छा है। और जो है वो इतनी कोई ख़ास धूप नहीं थी आज ना, अच्छा मज़ेदार सा मौसम है। नज़र आ रहा है? लिखना नहीं भाई, नहीं मैं कुछ नहीं लिख रही, मुझे आप किचन में जाने दें हुज़ैफ़ा प्लीज। और यहाँ ये मसाला मैंने रेडी करके रखा है पानी में, जो यार बॉईल आने लगे हैं। सलाद में ये दो चीज़ें काटी हैं, रायता, चावल सोख किए हुए हैं, 2 घंटे हो गए हैं। ओके कब छोड़ोगे इसकी जान? ये इसकी जान नहीं छोड़ते, ये इसकी जान नहीं छोड़ते। वहाँ जी साइकिल वापस रख कर आए। अच्छा तो मेरी मशीन यहाँ सब कुछ फैला इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि मैं जो है वो 3-4 दिन से डेली सिलाइयाँ कर रही हूँ, तो इसलिए मैं ऐसे ऐसे छोड़ देती हूँ सामान वगैरह, ऐसे बस ऊपर रख के शॉपर में डाल के, थोड़ा सा सेट करके, ताकि मैं ये कि दोबारा फटाफट बैठ जाऊँ, मुझे सब कुछ दोबारा सेट ना करना पड़े। और ये बच्चे हैं, ये यही काम करते हैं चीज़ों को। ये बटेर है, उसका घर है। और जी ये यहाँ हमारे बिरयानी जो है वो यहाँ बिल्कुल रेडी है, और इफ्तार का भी टाइम हो गया है, और जो है बस अब इफ्तार करेंगे। ये यहाँ रेडी है बिरयानी। ठीक है ओके, तो यहाँ अभी मैं कर रही हूँ सिलाई, कपड़े सी रही हूँ,
और जो है हुज़ैफ़ा ने बहुत ही प्यारी ड्राइंग की है, वो दिखाती हूँ कैसी की है। इसमें क्या क्या है, घर है, पीछे गार्डन सा है, पेड़ हैं, ये बताऊँ क्या है, और जो है ओहो ये क्या किया, बैग को क्यों वहाँ क्यों ले गए आप पीछे, और जो है मस्जिद भी है उसमें और बहुत प्यारी लग रही है। और वहाज क्या कर रहे हैं, वहाज भी ड्राइंग कर रहे हैं, वहाज दिखाइए। वहाज को मैंने बना के दिया है सन और फ्लावर और नीचे डक और बटरफ्लाई, तो अभी इन्होंने सन में और जो है फ्लावर में कलर कर रहे हैं, तो और देखते हैं कैसा कलर करते हैं। बटरफ्लाई बनाना है पर छोटी छोटी। ओके अभी बनाती हूँ बटरफ्लाई, और पीछे क्या हो रहा है ये भी मैं दिखाती हूँ। यहाँ ये अपना काम कर रहे हैं, अपनी वहाँ जो है वो टेबल लगा के सुकून से एक कोने में, और जो है बहुत ज़्यादा बिजी हैं। बनाइए आप खुद, अब इतनी छोटी छोटी बटरफ्लाई तो नहीं बन सकती ना, छोटी छोटी सी बना लें। हाँ ऐसे अच्छा एक मिनट देती हूँ। ओह ब्लैक फ्लावर कब होता है वहाज, वाह भाई वाह जबरदस्त, सन बहुत प्यारा लग रहा है वहाज का। बटरफ्लाई कोई बहुत मुश्किल है क्या, ये देखें छोटी छोटी बटरफ्लाई तो बनानी होंगी, तो आप ऐसे अरे यार एक मिनट देती हूँ सबर, ये देखें छोटी सी बटरफ्लाई बन गई। ये कोई बटरफ्लाई छोटी छोटी सी तो ऐसी ही बनती है भाई। कौन सी वो स्कॉफ वाली पेन है, स्कॉफ वाली पेन दे दूँ, मशीन की चाहिए। ओके तो हम अभी अपनी वैसलीन का बॉक्स उठाते हैं। अच्छा जी ये है मेरा वैसलीन का बॉक्स जो कि खाली हो गया था, ओपन करते हैं। उसमें मैंने कुछ कपड़ा रखा हुआ है जिसमें मैं अपने पिंस लगा देती हूँ, तो मैंने अभी पिंस देती हूँ। सुई वो चाहिए, सुई धागे वाली सुई चाहिए या दूसरी वाली चाहिए आपको, देखो इसमें से कौन सी चाहिए। ये सही हो गई मशीन वाली, हाँ ये कर ली, ये रही ना वो सुई मशीन वाली, यार मशीन वाली सुई चाहिए। अच्छा वो भी है मेरे पास, वो दे देते हैं। और ये टेडीज ऐसे क्यों रख दिए यहाँ पे, और वो पेपर्स कैसे फेंक दिए, संभाल के रखें, ड्राइंग किसमें करेंगे। और ये आज की गाड़ी है, इसमें क्या है, इसमें कलर्स और क्रेयॉन्स हैं। अपने पापा को नहीं दोगे आप, मैं साड़ी खा जाते हैं। मैं दे दूंगी। सही कह रहे हैं वैसे बच्चे, ये लो बस आप अपनी खाओ, अपनी खाओ आप, मम्मा के पास सेम है। एक बार तो अभी ये रहता है, जब भी कोई ओप्पो का चीज दो ना इतनी सारी खा लेना। कलर्स करने के बाद हमने अपना सामान नहीं समेटा, तो क्या मजा है ना साथ के। कलर्स कर लो अभी, अच्छा अभी भी कर रहे हैं। मम्मा को खिलाएं, नहीं नहीं आप खा लें, आप खा लें। नहीं नहीं मजाक कर रही हूँ। खाने के बाद जैसे रैपर्स बास्केट में डालें, ऐसे स्टिक भी बास्केट के अंदर ही डालनी है। ये देखें एक कलर ये पड़ा हुआ, यार सामान समेटो यार बहुत फैलावा हो गया। मेरे भी बस चौक रह गए, रेडी है ये। ओके तो यहाँ ये ड्रेस स्टिच हो चुका है, बिल्कुल सिंपल सा ड्रेस है, बस डोरी पाइपिंग की है, ओ पाइपिंग की है बस पीछे, और स्लीव्स में इस तरह का पैच लगाया है। ये गिली हो गई है क्योंकि इसमें चॉकलेट लग गई है। मुज़ाफ़ा वॉल्यूम कम करिए बेटा, और वो मैंने वॉश कर दिया, मैं इसे बाहर डाल दूँगी। आइसक्रीम खा रहे थे उसकी चॉकलेट गिर गई इसके ऊपर ना, तो वो वॉश तो कर दिया और क्लीन भी हो गया है। अच्छा सेकंड जो ड्रेस है वो है ये वाला, ये भी बिल्कुल सिंपल है,
और इसमें भी पाइपिंग हुई हुई है, इस तरह का ड्रेस है और इसमें पाइपिंग हुई हुई है। और थर्ड है ये वाला, इसके नेक में कढ़ाई हुई, नेक बिल्कुल सिंपल है, स्लीव्स में इस तरह की दो प्लेटें हैं और ये लेस के साथ लगा हुआ है शलवार का कपड़ा, चौक में पाइपिंग है और दामन में इस तरह का ऑर्गेन्जा का मैंने पैच लगाया है, डेढ़ डेढ़ इंच के लेस लगाई है और जिस तरह स्लीव्स में उस तरह दामन में शलवार का कपड़ा लगा के ये लेस लगा दी, क्योंकि दामन बिल्कुल सिंपल था, प्रिंटेड भी नहीं था। और सेम इसी तरह का मेरा है। अब मेरे ड्रेसेस की बारी है, वो मैं आपको जो है वो एक ड्रेस रह गया है वो कंप्लीट कर लूँ फिर दिखाऊँगी तीनों ड्रेस। ओके, तो आज का ये व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।